महिलाओं, लड़कियों और बच्चियों से छेड़छाड़ करने वालों को राजस्थान में अब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। छेड़छाड़ करने वालों के कैरेक्टर सर्टिफिकेट में इसको लिखा जाएगा और सर्टिफिकेट खराब होते ही सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। सीएम अशोक गहलोत ने कानून व्यवस्था की बैठक में अफसरों को आदतन मंचलों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के आदेश दिए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने बैठक में अफसरों से कहा, महिलाओं और कमजोर वर्ग के खिलाफ अपराधों को रोकना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। छेड़छाड़ करने वाले मंचलों का रिकॉर्ड रखा जाए। ऐसे लोगों के नाम RPSC सरकारी चयन बोर्ड को भेजे जाएंगे। डेटाबेस में ऐसे लोगों के नाम मिलान करके अगर वो सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे तो उनके आवेदन रिजेक्ट हो जाएंगे। हालांकि अभी सीएम ने मौखिक आदेश दिए हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रियाओं और सरकारी नौकरी के पात्रता नियमों में बदलाव होगा, क्योंकि अब छेड़छाड़ करने वाले मंचलों के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन चलाने के आदेश मिले हैं। स्कूल, कॉलेजों और बाजार में मंचलों पर निगरानी रखने के लिए सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मियों को लगाया जाएगा। जिन जगहों पर मंचलों की शिकायत ज्यादा है वहां पर खास निगरानी रखी जाएगी। स्कूल, कॉलेजों और बाजारों में पॉइंट तय करके वहां निगरानी बढ़ाई जाएगी। जल्द ही प्रदेश भर में मंचलों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जाएगा। महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराधों को BJP ने चुनावी साल में मुद्दा बना रखा है। राजस्थान महिला अपराधों के मामले में टॉप राज्यों में आता है। सीएम अशोक गहलोत अपराध के आंकड़े बढ़ने के पीछे अनिवार्य FIR के प्रावधान को जिम्मेदार बताते हैं। चुनावी साल होने के कारण महिलाओं के खिलाफ अपराध बड़ा मुद्दा बन गया है, इसलिए गहलोत अब चुनावी साल में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में सख्त एक्शन लेने वाली सरकार की छवि बनाना चाहते हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।